था। दोबारा से यार उन्होंने मुझे टच किया। देखो जी 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 यार ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। हमारा आज का जो चैलेंज है उसका नाम है व्हाट्स इन द बॉक्स चैलेंज। जी तो हमारे व्लॉग का जो चैलेंज है उसका नाम है व्हाट्स इन द बॉक्स चैलेंज। आप लोगों को इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई नजर आ रही होगी। हम यहाँ पर बहुत ही खतरनाक किस्म के जानवरों को इस बॉक्स के अंदर रखेंगे और इस बॉक्स के अंदर से ये हाथ इस तरह से डालेंगे और ये फील करके उस बॉक्स के अंदर जो भी जानवर है ये उसे पहचानेंगे और रिकग्नाइज करके उसका नाम बताएंगे। तो इस टाइम जो है अयान को जो पट्टी बंधी हुई है वो बिल्कुल फिक्स नज़र आ रही है, सही नज़र आ रही है। आप ये देखें, उसको फील नहीं हो रहा, अदरवाइज ये डर जाता। बाकी अनस की जो पट्टी है वो भी ठीक नहीं है, उसको हम ठीक करते हैं, उसके बाद हम चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इनकी आंखों पर पट्टी जो है वो अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब फैजान जो है वो इस रूम से जाएगा और एक एनिमल को जो है वो निकाल कर आएगा और इस बॉक्स में रखेगा। फिर ये दोनों बारी बारी उसको चेक करेंगे, एक बॉक्स से ये हाथ डालेगा और दूसरे बॉक्स से अयान हाथ डालेगा और उसके बाद ये बताएंगे कि कौन सा एनिमल है। और इनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपने नोट करना है और आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या हमें और मज़ीद इस तरह के चैलेंज करने चाहिए। और अगर आपके जहन में कोई चैलेंज है तो आपने हमें बताना है, हम वो टास्क पूरा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, शेयर भी कर दें अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे। तो इनके मुँह मैंने दूसरी तरफ करवा दिए। तो गाइज़ इस टाइम मैं बहुत ही खौफनाक जानवर ये है मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है। इसके कांटे थोड़ा सा ना, इसके कांटे हैं, मैं इनको हिंट दे देता हूँ। और ये मैंने बॉक्स में रख दिया है। अब सब दोनों जो है वो हाथ डालेंगे, मैं इनके हाथ अंदर डलवाने लगा हूँ। फैजान हाथ डलवाओ अयान को उधर से आराम से वो आराम से बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा वो। डाल दे क्या था चलो ये क्या है, ये क्या है, अयान चैलेंज से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चैलेंज को करना बड़ा मुश्किल हो गया इन लोगों को ना, डर के ये लोग भाग गए थे और इन्होंने पट्टियां खोल दी थी। से आया ना, हाथ नहीं लगाओ पट्टी को, तो अगर तुमने पहचान लिया तो गैस करो। मुझे पता है क्या, कांटो वाला चूहा है। बड़ी अच्छी बात कही मुर्गिया। अनस से पूछते हैं, हाँ अनस क्या फील हो रहा है, क्या है इसके अंदर? सांप है। अनस जो है वो कह रहा है कि इसके अंदर सांप है और अयान कह रहा है कि इसके अंदर मुर्गी है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है। मैं हूँ रास्ते का पत्थर। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि कितना फनी रिएक्शन था इन दोनों का और ये कितना ज़्यादा उससे डर गए थे। डरना भी चाहिए था, चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो अभी जो है वो फैजान गया है दूसरा जानवर लेने के लिए और अब हम उसको जो है बॉक्स के अंदर डालने लगे हैं। डब्बा कौन हिला रहा है पहले ये बताओ। तुम दोनों हिला रहे हो, हम डब्बे को हाथ नहीं लगा रहे। गलत बात है, पहले डरपोक जब मर गया। अयान यार ऐसे डरा दोगे उसको, एन मार दिया, तूने मार दिया। हाँ अंदर है मैं तो, चल मार दे। क्या हुआ? तो गाइस अयान ने शायद उस चीज को फील कर लिया है, ठीक है। अयान जो आने को तैयार नहीं है वहां पर वापस दोबारा से। यार उन्होंने मुझे टच किया, यार उन्होंने मुझे टच किया। नहीं आ सकती बाहर, इधर आओ बॉक्स के। तो गाइस मेरे जो कंटेस्टेंट है ना दोनों फटू हैं। अनस तुम्हें क्या फील हुआ है? तुम चीज मेरे बस बाद में बताऊंगा, पहले अनस करे। हाँ वो ना नरम नरम चीज थी, वो ना इतना लगी मैं हाथ बाहर काट लिया। नरम नरम थी तो क्या लगता है क्या चीज थी? सांप था। आपको क्या लगता है, जुबान लगी है उसकी हाथ की? पक्की बात है। आपने सुना होगा जब भी आप किसी चीज़ को देखें, मतलब कि अनोइंग सी चीज़ देखें, तो उसके बारे में एनालाइज करना चाहिए, उसके बारे में हमें उसकी हकीकत है उसको हमें ढूंढना चाहिए।
तो ये लोग जो है बस ऐसे डर गए हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ ट्राई कर लो, बाद में तुम लोग पछताओगे। नहीं पछताना की चीज़ है, चैलेंज हार जाओगे ना। नहीं भाई हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चैलेंज जीतने के बाद मिलेगा क्या इतना? ये तो बताओ यार। देखो इन लोगों को मैंने वादा किया है कि मैं आप लोगों को अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। इन्होंने जो है वो प्रेडिक्ट किया कि ये एक सांप है। ओके तो गाइज ये बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक है। जिसके पास ये थी ना, ये कई अरसे से उसके पास पड़ी हुई थी, काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी, मतलब ये कह लें कि 5 साल पुरानी उसके पास है। तो अब देखते हैं कि ये लोग इसको रिकग्नाइज कर पाएंगे कि नहीं। देखो जी ये मुर्गी लग रही है। मुर्गी है पर थे जब मैंने अंदर, हाँ जी अजीब सी चीज़ हाथ पर लगी है। ओके तो गाइज वाकई बात तो सही है, काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है और है भी इतनी पुरानी, आप खुद सोचें। अब जितनी ज़्यादा बुजुर्ग चीज़ हो जाए ना उतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। अच्छा पर हाँ ये इधर से शुरू हो रहा है। नहीं है वो आराम से मुंह भी परे है उसका, इस दफ़ा हाथ लगा लोगे उसकी कसम उठाओ, उसकी कसम उठाओ। हाँ उसके पीछे आराम से हाथ लगेगा इस दफ़ा यार, लग जाएगा अब हाथ, मुँह परे है उसका। बड़ी बड़ी अच्छी यार वो स्टैंड बैठ गई है और मुँह परे है उसका, करो जल्दी करो हाथ हाथ लगाओ उसकी बस। गाइज अनस को भी मुर्गी लग रही थी, मुझे लगता है आज का चैलेंज जो है ना कमाल का होने वाला है। गाइज जितने ये लोग डर गए हैं ना यकीन करें कोई फेक नहीं है, ये लोग वाकई बेचारे की ना हालत ख़राब हो गई है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताना है कि आपको इनके रिएक्शन कैसे लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा मासूम जानवर हैं, ज़रा देखें कितने प्यारे हैं ये, ठीक है। तो अब अयान पहले हाथ डालेगा, कौन डाल रहा है? नीचे 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 और मुर्गी है, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है। ओके मैं भी हाथ डालूंगा। अरे बाबा मजा आ रहा है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओके हाथ लगाओ, हाथ लगाओ बस, ठीक है ना, छेड़ो हिलाओ ना यार। पापा डब्बा यार करो, यही मौका है, जल्दी करो हाथ। ओ भाई ओ भाई यार फिर सोच लो यार, ये तो गाइज इनकी पट्टियां हम लोग उतार रहे हैं, ठीक है उतारो। अयान अयान के निशान पड़ गए हैं आंखों पे। रोशनी में आके कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, बस कूल हो रहा कुछ। तो सबसे पहले हमने जानवर था हमारे पास वो ये है। तो गाइज ये लोग इसे डर रहे थे कि कोई इसे सांप कह रहा था, कोई इसे मुर्गी कह रहा था। तो गाइज सबसे पहला जो हमारा खतरनाक जानवर है वो ये है। तो गाइज दूसरा जो खतरनाक जानवर है वो ये है। मैं भी कहूं चाची, ये क्यों कर रहे हैं? ये मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था मैं। तो गाइज जो तीसरा खतरनाक जानवर था वो ये है। ये लोग इससे इतना ज़्यादा डर गए थे और इनकी जो हालत थी वो देखने वाली थी। अयान तो यहाँ से जगह छोड़ के वहाँ भाग गया था और इसकी बारी में तो ये लोग हाथ ही नहीं आ रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। ये जो बहुत पुरानी चीज़ मैं बोल रहा था ना, काफ़ी पुरानी चीज़ बोल रहा था मैं, यही थी। ये ख़राब टॉवल पड़ा हुआ था कई साल पुराना, तो मैं उठा के ले आया। तो गाइस सबसे लास्ट में हमारे पास जो खतरनाक और क्यूट जानवर थे वो ये थे, रैबिट थे। और ये बेचारे इतना प्यार कर रहे थे तुम्हारे हाथों पे, ठीक है। फिजान इनको लेके जाओ, ये इनको परेशानी ना हो। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मैं बार बार कहता हूँ। कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और कोशिश करें कि अगर आपको कोई अच्छा सा चैलेंज आपको आता है, जो आपको पता है कि वो चैलेंज काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, वो आप कमेंट में बताएं, हम लोग उनमें से कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।